नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश में आए दिनों जो जानलेवा हमले हो रहे हैं दुखद है। आप देख रहे होंगे, चाहे वो जिला कुल्लू हो, शिमला हो, या सिरमौर हो, या फिर मंडी हो, इन चार जिलों में पिछले काफी लंबे समय से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, आपको बिल्कुल पुख्ता जानकारी दे रहा हूं। पिछले कल जो एक वारदात हुई है, जहां दंपति को बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, जानकारी मिली है कि उनके बाजू भी तोड़े गए हैं, टांगे भी तोड़ी गई है, इतना बेरहमी से मारा गया है। परशुराम नाम का जो व्यक्ति है, जो पूर्व में प्रधान भी रहे हैं, वो कोमा में है। जानकारी हासिल हुई है कि वो एसटी परिवार से है। दूसरी पुख्ता जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जिला मंडी से, जो अभी एक दिन पहले एक महिला पुलिस कर्मी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसने जहर निकला, वो भी एक एट्रोसिटी हुई, जिसमें मंडी की पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस कर्मियों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। जिला सिरमौर के राजगढ़ में संजीव डोगरा के साथ जो जानलेवा हमला हुआ, वो भी एक एट्रोसिटी हुई। वहां भी उस व्यक्ति को जान से मारने का ही प्लान बना दिया था और मरा हुआ समझ के उसको फेंक दिया गया था। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, जिला शिमला से जो संबंध रखने वाला एक घटनाक्रम है। जिला शिमला के रोहड़ू में घटना घटती है, एक प्रधान के साथ घटना घटती है। तो ये जो चार जिले हैं, यहां बहुत कुछ हो रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे जांच का विषय है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ये जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, ये एससी और एसटी के लोगों के साथ हो रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप हिमाचल प्रदेश में हो रही एट्रोसिटी को देखते हुए, जो दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश में एट्रोसिटी एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को सख्ती से आदेश जारी करें, ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो एट्रोसिटी हो रही है वो कम हो सके। क्योंकि जितने भी जो मामले कुछ ही दिनों में सामने आए हैं, वे सारे के सारे एससी और एसटी परिवार से जुड़े हुए हैं, जहां जानलेवा हमले हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं स्वर्ण आयोग की आस में बैठे हुए ये जो कुछ लोग, ये जानबूझकर एट्रोसिटी हिमाचल प्रदेश के गरीब वर्ग के साथ कर रहे हैं, जिस पर सख्ती से जांच करना अति आवश्यक है। अगर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हमारी बात को नहीं सुनेंगे, तो हम अपने समस्त संगठनों के साथ एक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा फिर सरकार और प्रशासन को ही भुगतना पड़ेगा। नमस्कार।